हेलो फ्रेंड्स, टेक्स फाइनेंस स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑफलाइन यूटिलिटी आ गया है ITR 1 ITR 4 का, ऑनलाइन अभी तक आया नहीं है। हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि ITR 1 ऑफलाइन यूटिलिटी में कैसे फाइल कर सकते हैं, ITR 4 कैसे कर सकते हैं, आप हमें बताइए वीडियो बनाकर। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को आप ITR 1 में किस तरीके से दिखा सकते हैं, उसका डेमो इस वीडियो में हम देखेंगे। ITR 4 का एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे। ध्यान देना है, ऑफलाइन यूटिलिटी का इस्तेमाल हम करने वाले हैं क्योंकि ऑनलाइन अभी तक आया नहीं हुआ है, ठीक है। अगर ये मेथड से आपको ITR फाइल करना है तो भी आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है यहाँ पर भी। और भरने का जो तरीका है ऑनलाइन ऑफलाइन में बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो इनकेस आपको अगर जल्दी में ITR 1 या ITR 4 फाइल करना है तो आप स्टार्ट कर सकते हो, ऑनलाइन का वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है तो लाइक आप जरूर करिएगा, नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन कुछ ना कुछ आप जरूर करिए ताकि हमें पता भी चले कि आपको किस तरीके के टॉपिक पसंद होते हैं, किस पर वीडियो बनाना होता है। करना क्या है सबसे पहले वो बता देता हूं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको अपने इनकम का डिटेल एक जगह पर कलेक्ट करके रख लेना है, एक जगह पर नोट डाउन करके रख लेना है। जैसे कि देखिए, हमारे केस में सैलरी का डिटेल हमने नोट डाउन करके रख लिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल है, ये देखिए, लोन था तो जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है वो हमने नोट डाउन करके रख लिया हुआ है। अदर सोर्स का हमने देखिए, सेविंग खाते का जो इंटरेस्ट है, फिर FD पर जो इंटरेस्ट मिलता है, उसके अलावा डिविडेंड जो है वो हमने नोट डाउन करके रखा हुआ है, डिडक्शन हमने नोट डाउन करके रख लिया हुआ है, ठीक है। ये जो एक्सेल शीट है ये आपको मिल जाएगा डाउनलोड के लिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, तो डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। यहाँ पर डेटा आप सेव करके रख सकते हो और ITR भर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ऑटोमेटिक चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि आप देखिए डिटेल इंटर करते जाओगे तो आपको ओल्ड टैक्स सिस्टम के हिसाब से कितना टैक्स आएगा, नए टैक्स सिस्टम के हिसाब से कितना टैक्स आएगा, आपको ये यूटिलिटी बता देता है। तो जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि नया वाला टैक्स रिग में चुनना है, पुराना वाला टैक्स रिग में चुनना है। उसके अलावा भी बहुत सारे कैलकुलेशन ये आपके कर देता है, ठीक है। अब अगर आपको चाहिए तो इनकम टैक्स कंप्यूटेशन का एक सेपरेट वीडियो हम बना सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो हमने यहाँ पर डिटेल पूरा भरकर रख लिया हुआ है, तो आपको भी अपने इनकम का डिडक्शन का सारा डिटेल एक जगह पर ही नोट डाउन करके रख लेना है ताकि भरने में आसानी हो। तो ये एक चीज हो गया। दूसरा काम क्या आपको करना है, सबसे पहले तो आपको ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड कर लेना है। आपको जाना है incometax.gov.in की वेबसाइट पर, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा, असेसमेंट ईयर यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है 2022-23, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी है, ITR 1 से लेकर ITR 4 इसमें आपको मिलेगा। फिलहाल तो ITR 2 और ITR 3 अभी अवेलेबल नहीं है, ITR 1 और ITR 4 ही है। यूटिलिटी का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, 94 MB का फाइल है, ZIP फाइल है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से आपको ZIP फाइल दिखाई दे जाएगा, इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हमने कर लिया हुआ, इस तरीके से फोल्डर एक्सट्रैक्ट होने के बाद दिखाई देता है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहला वाला ही एप्लीकेशन फाइल है, इस पर क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है एप्लीकेशन को। ध्यान देना, ऑफलाइन ऑनलाइन में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग में कुछ स्टेप हैं जो कि यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं, और जब सबमिशन करते हो तो वहाँ पर भी कुछ स्टेप्स हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं ऑफलाइन में, ठीक है। बाकी तो सेम टू सेम है भरने का तरीका। अब देखिए एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो गया है, इस तरीके से कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज आ जाता है। अब यहाँ पर ITR फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब फाइल रिटर्न पर हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ऑप्शन हमें दिखाई देता है कि डाउनलोड प्रीफिल्ड डेटा, इम्पोर्ट प्रीफिल्ड डेटा, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो प्रीफिल्ड डेटा, ठीक है, पैन नंबर इंटर करके, पासवर्ड इंटर करके। लेकिन ये वाला रास्ता मैं आपको बोलूँगा नहीं करने को, क्योंकि दूसरा रास्ता एक है जहाँ पर आप लॉगिन करके भी प्रीफिल्ड डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप सोचोगे कि जब डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ यूटिलिटी में दिया गया है तो लॉगिन करने की क्या ज़रूरत है। लॉगिन करके आप प्रीफिल्ड डेटा तो डाउनलोड कर ही लेते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाते हैं। कौन से इन्फॉर्मेशन है मैं आगे आपको बताऊंगा, सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन होने के बाद इस तरीके से डैशबोर्ड आ गया है। सबसे पहले तो आपको जाना है ऊपर, देखिए यहाँ पर नाम लिखा गया है, इस पर क्लिक करेंगे माय प्रोफाइल आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल का डिटेल देख लेना है, उसके बाद नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल और एड्रेस वगैरह भी आपको यहाँ पर देख लेना है, ईमेल देख लेना है, सब कुछ सही है या नहीं, अगर कुछ रॉन्ग है तो आपको एडिट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बैंक अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पर है प्रोफाइल में ही, इस पर क्लिक करेंगे
तो आपका बैंक खाता लिंक है या नहीं, वैलिडेटेड है या नहीं, ये भी आपको चेक कर लेना है। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, क्योंकि जो प्रीफिल डेटा आप डाउनलोड करोगे उसमें ये सब इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अगर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन रॉन्ग होगा माई प्रोफाइल में बैंक का इन्फॉर्मेशन, तो आपका जो प्रीफिल डेटा होगा उसमें भी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग आएगा। तो सबसे पहले तो आपको सारी चीजों को चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न्स में, और फिर व्यू फॉर्म 26AS, इस पर क्लिक करना है। दूसरा पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको अपना 26AS चेक कर लेना है कि अपडेट हुआ है या नहीं। अगर TDS डिडक्ट हुआ है या आपने इनकम टैक्स पेमेंट किया हुआ है तो आपको जरूर चेक कर लेना है कि आपका पेमेंट या TDS अपडेट हो गया है या नहीं हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है सर्विसेज में और यहाँ पर देखिए एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, इस पर आपको क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करना है, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको अपने इनकम का इन्फॉर्मेशन या दूसरा कोई भी स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन है तो वो सारे डिटेल आपको चेक कर लेना है कि सब कुछ अपडेट हो गया है या नहीं। पिछले साल काफ़ी लोगों का AIS अपडेट नहीं हुआ था, रॉन्ग ITR काफ़ी लोगों ने फाइल किया, फिर बाद में रिवाइज करना पड़ा, काफ़ी लोगों को डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस भी आया हुआ था, ठीक है। तो इस बार वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको चेक कर लेना है कि आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सारा डिटेल यहाँ पर जब आप चेक कर लोगे सब कुछ अपडेट हो गया है, ठीक है, तब आपको जाना है ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न्स में, और यहाँ पर है डाउनलोड प्रीफिल्ड डेटा, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से डाउनलोड प्रीफिल्ड डेटा का पेज आ जाएगा, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है 2022-23 और फिर डाउनलोड पर क्लिक करना है। ये देखिए फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो गया, JSON फाइल है, ठीक है। अब जब फाइल डाउनलोड हो गया है तब आपको अपना एप्लीकेशन ओपन करना है, इम्पोर्ट प्रीफिल्ड डेटा पर क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पैन नंबर असेसमेंट ईयर इंटर करना है, फिर प्रोसीड पर क्लिक करना है। इस तरीके से इम्पोर्ट प्रीफिल्ड डेटा का पेज आ जाएगा, अटैच फाइल पर क्लिक करना है और जो JSON फाइल अभी हमने डाउनलोड किया हुआ था उसको हम इम्पोर्ट कर लेंगे। डाउनलोड फोल्डर में गया है ये देखिए, ठीक है, प्रीफिल्ड JSON, इसमें लिखा गया है, आगे पैन नंबर है उसके आगे लिखा गया prefill.json, इसको हम इम्पोर्ट कर लेंगे। जब इम्पोर्ट करेंगे तो यहाँ पर सक्सेस दिखाई देगा, सही वाला होगा तो सक्सेस दिखाई देगा, अदरवाइज एरर दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर पैन नंबर, नेम ऑफ टैक्स पेयर, असेसमेंट ईयर और इम्पोर्टेड डेट दिखाई दे रहा है। फाइल रिटर्न पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है अपना असेसी का टाइप, हमारा इंडिविजुअल है, सिलेक्टेड है, ठीक है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ITR फॉर्म हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ITR 1 होगा, प्रोसीड विथ ITR 1 पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर रीज़न हमें देना है, ठीक है, अगर आपका टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो पहला वाला ऑप्शन चूज करिएगा, अदरवाइज ये देखिए ये कुछ कंडीशन है, अगर ये भी आपके केस में है तब भी आपको कंपलसरी ITR फाइल करना पड़ेगा, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ये वाला आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद जो भी सेटिस्फाई होगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर 2-3 हो रहे हैं तो इनको आप सेलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। मान लीजिए ये दोनों आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपका इनकम जो है 2.5 लाख से कम है, TDS रिफंड क्लेम करने के लिए या तो लोन वगैरह के लिए आप फाइल कर रहे हो तो ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में हमारा इनकम जो है 2.5 लाख से ज़्यादा है तो ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ गया है, इसमें लिखा गया है कि हमने आपका जो रिटर्न का फॉर्म है बहुत सारा डिटेल प्रीफिल कर दिया है, ठीक है। फॉर्म नंबर 16AIS के बेसिस पर बहुत सारा डेटा प्रीफिल हो जाता है, ठीक है, ओके पर क्लिक करेंगे। ध्यान देना है मैं यहाँ पर सिर्फ डेमो बना रहा हूँ, ठीक है, आखिरी तक मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि किस तरीके से फाइल करना है, लेकिन एक्चुअल में मैं फाइल नहीं करूंगा क्योंकि मेरा भी खुद का इन्फॉर्मेशन बहुत सारा अभी तक अपडेट हुआ नहीं है, लेकिन प्रोसीजर मैं आपको पूरा बता दूंगा। अब देखिए रिटर्न समरी यहाँ पर आ गया है, थोड़ा सा नीचे जाते हैं। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल दिखाई दे रहा है, पहले से मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ कि प्रीफिल डेटा डाउनलोड करने से पहले आपको वेबसाइट पर ही डेटा अपडेट कर देना है ताकि वही सेम टू सेम डेटा यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो हमारा सेम टू सेम आया है और बिल्कुल सही है, ठीक है। अब नीचे जाएंगे, यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, सेलेक्ट करिए, यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए बहुत सारे नए ऑप्शंस यहाँ पर ऐड हो गए हैं, ये पहले नहीं थे, सब ऐड हो गए। अब ज़्यादा डिटेल में आपको बताना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हो। हमारे केस में प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई हैं तो अदर्स हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फाइलिंग सेक्शन में 139(1) हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ड्यू डेट से पहले हम फाइल कर रहे हैं इसलिए।
उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि नया टैक्स सिस्टम चुनना है या पुराना, ठीक है, तो हम पुराना वाला ही चुनने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर बैंक का डिटेल दिया गया है, दो बैंक खाते हमारे केस में हैं, ठीक है, एक बैंक खाता आपको सेलेक्ट कर लेना है रिफंड के लिए अगर है तो, ठीक है, दोनों खाता वैलिडेटेड होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि आपको ये सब चेक कर लेना है, उसके बाद ही प्रीफिल डेटा आपको इंपोर्ट करना है। तो हमारे केस में वैलिडेटेड है, एक खाता हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है रिफंड के लिए। अब नीचे कन्फर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से ग्रीन साइन यहाँ पर आ गया कन्फर्म। ग्रॉस टोटल इनकम का अब टैब हमें ओपन करना है और इसको हम यहाँ पर स्किप कर देंगे ताकि एक एक करके हम आपको भरते हुए दिखा सके। अब यहाँ पर देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है और अदर सोर्स है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी भरते हैं। एडिट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ध्यान देना फॉर्म नंबर 16 और AIS के हिसाब से आपको ये सारा डिटेल भरना है, ठीक है। AIS को भी आपको कंसीडर करना है, यहाँ पर भी लिखा गया है, पिछली बार काफ़ी लोगों ने नहीं किया हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी ट्रबल हुआ था, ठीक है। तो सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) सबसे पहले हमें इंटर करना है। आपके पास फॉर्म नंबर 16 है, हमने तो डेटा बनाया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से फॉर्म 16 के आधार पर, तो जल्दी जल्दी हम फीड कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) है, तो ये अमाउंट जो होता है सबके फॉर्म नंबर 16 में होता ही होता है, इसको जल्दी से हम पहले इंटर कर देंगे ITR फॉर्म में। ध्यान देना अगर आप पेंशनर हैं, आपको पेंशन मिलता है, तो भी इस वाले रो में ही आपको पेंशन का अमाउंट ऐड करना है। सैलरी सेक्शन 17(1) में देखिए आपका जो बेसिक सैलरी होता है, बोनस होता है, डियरनेस अलावेंस होता है, हाउस रेंट अलावेंस होता है, सब कुछ आ जाता है, तो टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर करना होता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ परक्विजिट जो कि आपके फॉर्म नंबर 16 में होगा, अगर आपको मिलता होगा तो मिल जाएगा। जैसे देखिए कंपनी की तरफ से बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, घर मिल जाता है, गाड़ी मिल जाता है, नौकर मिल जाते हैं, तो उन सब का इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाता है, तो जो भी बेनिफिट मिलेगा उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो, ये भी आपके फॉर्म नंबर 16 में होता है। तो हमारे केस में 50,000 है तो हम दिखा देते हैं। जो भी डिटेल इंटर करोगे AIS से आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। प्रॉफिट इन लिए ऑफ सैलरी में कुछ नहीं है, 0 डाल देंगे यहाँ पर। नीचे देखिए यहाँ पर एडिशन किया गया है इस साल में। इनकम आपको अगर हो रहा है रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट से और वो अकाउंट किसी दूसरी कंट्री में है, तो अंडर सेक्शन 89A अब आपको देखिए यहाँ पर दिखाना होता है कौन सी कंट्री में। यहाँ पे तीन कंट्री का नाम दिया गया है, इन तीनों में से कहीं पर है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है और अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर करना है। लेकिन इन तीनों के अलावा दूसरा कोई कंट्री है तब देखिए आपको नीचे ऑप्शन मिलता है यहाँ पर ई में, यहाँ पर आपको दिखाना होगा, ठीक है। हमारे केस में है नहीं ऐसा कुछ तो हम फिलहाल इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब एग्जेम्प्ट अलावेंस हमें दिखाना होगा। हमारे केस में हाउस रेंट अलावेंस है, ठीक है, 22,000 रुपया है। ओल्ड टैक्स सिस्टम हमने चुना हुआ है तो यहाँ पर हाउस रेंट अलावेंस हम दिखा सकते हैं। नए टैक्स सिस्टम में बहुत सारे अलावेंस का एग्जेम्प्शन आप दिखा नहीं सकते हो, ठीक है। कुछ एग्जेम्प्शन है जिनको आप दिखा सकते हो, देखिए कौन कौन से दिखा सकते हो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है शीट में, ठीक है। जो नए टैक्स सिस्टम में क्या क्या आप दिखा सकते हो वो भी हमने लिखा हुआ है, ठीक है, सब नहीं दिखा सकते हो। तो 22,000 हमारे केस में हाउस रेंट अलावेंस है, हम जल्दी से यहाँ पर दिखा देते हैं। उसके बाद और कुछ है तो ऐड अनादर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस भी है तो वो भी हम यहाँ पर दिखा देंगे। तो एग्जेम्प्ट अलावेंस हमने यहाँ पर इंटर कर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर डिडक्शन ऑटोमेटिकली 50,000 का हमें मिल गया है स्टैंडर्ड डिडक्शन। कोई इंटरटेनमेंट अलावेंस है तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो। ये देखिए ब्लॉक है, क्यों, क्योंकि हमारे केस में हमने अदर सेलेक्ट किया हुआ था प्राइवेट इम्प्लॉई। अगर आप गवर्नमेंट इम्प्लॉई सेलेक्ट करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स अगर कुछ आपने दिया हुआ तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो, हमारे केस में नहीं है तो जाने देंगे। अब नीचे सेव का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो सैलरी का डिटेल हमने भर दिया हुआ है। ध्यान देना है डेमो है तो आपको यहाँ पर जो अमाउंट वगैरह हम इंटर कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं करना है, स्टेप पर प्रोसेस पर फोकस करना है, ठीक है। अब नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो ये एड एडिट डिटेल ऑफ ब्रेकअप, इस पर क्लिक करेंगे। हमारे केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है और होम लोन है तो इंटरेस्ट वाला पोर्शन हम यहाँ पर दिखा देंगे। अगर आपके केस में हाउस प्रॉपर्टी है और सेल्फ ऑक्यूपाइड है लेकिन लोन वगैरह नहीं है तब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको छोड़ देना है इसको वैसे ही। हमारे केस में होम लोन है इसलिए हम इंटरेस्ट वाला पोर्शन यहाँ पर दिखा देंगे। ध्यान देना प्रिंसिपल अमाउंट आप ATC में दिखाओगे और इंटरेस्ट वाला पोर्शन यहाँ पर दिखाओगे। मैक्सिमम 2,00,000 तक का आप बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। अब ये जो हम हाउस प्रॉपर्टी का बेनिफिट ले रहे हैं इंटरेस्ट वाला, ये भी सिर्फ पुराने वाले में ही अलाउड है, नए टैक्स सिस्टम में अलाउड नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ नीचे ऐड का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे
तो हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल यहाँ पर ऐड हो गया। ध्यान देना है, हमने यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड को कवर किया हुआ है, रेंट वाला प्रॉपर्टी हम कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप ITR 1 में एक ही हाउस प्रॉपर्टी दिखा सकते हो। और मैक्सिमम लोग अगर हाउस प्रॉपर्टी लेते हैं तो खुद ही रहते हैं, अगर एक ही हाउस प्रॉपर्टी है तो वो खुद ही रहते हैं, दूसरा घर लेते हैं तब उसको रेंट पर देते हैं, लेकिन अगर दो घर आपके पास है तब ITR 2 आपको भरना पड़ेगा, ITR 1 एप्लीकेबल होगा ही नहीं। ठीक है, अब नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है, स्कीप द क्वेश्चंस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे जो जो हमें यहाँ पर फीड करना है। इंटरेस्ट हमें सेविंग बैंक खाते से है 1120 रुपया, एड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर एड अनादर का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। डिपॉजिट से अगर इंटरेस्ट मिला हुआ है तो इसको सेलेक्ट करना है, अमाउंट इंटर करना है, हमें फिक्स डिपॉजिट से है 8950, फिर ऐड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डिविडेंड भी है हमें, तो डिविडेंड हम सेलेक्ट कर लेंगे 2500। जिस पीरियड में जितना डिविडेंड मिला आपको उस तरीके से दिखाना है, मान के चलते हैं कि हमें आखिरी महीने में ही मिला हुआ है, ठीक है, ऐसे मान के चलते हैं। तो यहाँ पर हमने इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, डिविडेंड इनकम दिखा दिया। उसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे ऑप्शन आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मिल जाते हैं, जैसे कि हमने देखा रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट वाला ऑप्शन यहाँ पर भी है, अदर सोर्स में भी है। सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर अमाउंट इंटर करना होगा, लेकिन जो तीन कंट्री की हमने बात किया हुआ था उसका ऑप्शन भी यहाँ पर है। जब सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी आपको दिखाई दे जाएगा और डिटेल आप भर सकते हो उस तरीके से। उसके अलावा PF के भी ऑप्शंस अब आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, PF का कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट मिलता है, अब कुछ कंडीशन अगर सेटिस्फाई होते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, ठीक है, इससे रिलेटेड ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे केस में नहीं है, ऐसा हम मान के चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ITR के वीडियो हम बनाएंगे तो एक चीज़ों को कवर करते जाएंगे एक एक वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि हमें तीन तरीके के अदर सोर्स के इनकम थे, सेविंग बैंक खाते से जो ब्याज मिला था, डिपॉजिट से जो ब्याज मिला था और डिविडेंड इनकम, ठीक है। तो सब कुछ हमने भर दिया हुआ है, एग्जेम्प्ट इनकम का नीचे डिटेल आप फीड कर सकते हो, ऐड डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पर मान लो कि एग्रीकल्चर इनकम 5000 से कम है तो वो दिखा सकते हो, इंश्योरेंस पॉलिसी से अगर आपको कोई सम मिला हुआ है, अमाउंट मिला हुआ है तो उसको दिखा सकते हो जो कि एग्जेम्प्ट है, PF से मिला हुआ है तो वो भी दिखा सकते हो जो कि एग्जेम्प्ट होता है। तो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है, आप दिखा सकते हो, गिफ्ट वगैरह मिला हुआ जो कि एग्जेम्प्ट है तो एनी अदर में आप दिखा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दो, अमाउंट इंटर कर दो, हमारे केस में नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो पूरा यहाँ पर इनकम का डिटेल हमने भर दिया हुआ है, देखिए सैलरी का डिटेल, हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल, अदर सोर्स का डिटेल, सब कुछ भर दिया हुआ है और नीचे देखिए कन्फर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए ग्रॉस टोटल इनकम भी ग्रीन में आ गया है, मतलब भर गया है। अब टोटल डिडक्शन का पेज हमें ओपन करना है और डिडक्शन हम यहाँ पर जल्दी से इंटर कर देंगे, स्कीप कर देंगे ये वाला क्वेश्चन ताकि सारे ऑप्शन हमको दिखाई दे जाए, ठीक है, एक एक करके हम भर लेंगे सब। हमारे शीट में देखिए डिडक्शन भी है, ठीक है, बहुत सारे डिडक्शन है तो सबको हम भर देंगे। सबसे पहले ATD आता है, एडिट पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले ऊपर लिखा गया है कि आप या आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है। अब यहाँ पर आप मतलब जो टैक्स पेयर है और उसकी फैमिली का मतलब होता है वाइफ और बच्चे, पेरेंट्स नहीं आते हैं इसमें, ठीक है, फैमिली में, ठीक है, पेरेंट्स के लिए अलग से नीचे दिया गया है। तो आप या आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है, मतलब आप सीनियर सिटीजन है या आपकी वाइफ सीनियर सिटीजन है, तो आप यहां पर यस सेलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं है, ठीक है, तो आपको नो सेलेक्ट करना है। और अगर आप क्लेम ही नहीं करना चाहते तो आप नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में सीनियर सिटीजन नहीं है लेकिन हम क्लेम करना चाहते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। अब हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट हम इंटर कर देंगे। मैक्सिमम 25,000 तक का आप बेनिफिट ले सकते हो अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है, तो 60 साल से ज़्यादा है तब तो आप 50,000 तक के अमाउंट का बेनिफिट ले सकते हो। ये जो शीट है इसमें खासियत यही है कि जब भी आप देखिए अमाउंट, आपकी उम्र 60 साल से कम है लेकिन 30,000 अगर आप अमाउंट डालोगे तो ये ऑटोमेटिकली 25,000 ले लेता है, ठीक है, 30,000 नहीं लेता है, इतना समझदार है। और जैसे ही आप 60 साल की उम्र डालोगे तो फिर ये 50,000 तक का अमाउंट ले लेगा। देखिए जैसे हमने 60 डाला तो भी ये 50,000 तक का अमाउंट ले लेता है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद नीचे आएंगे, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी यहाँ पर दिया गया है, कुछ एक्सपेंसेस किया होगा तो आप दिखा सकते हो। नीचे आएंगे पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है या नहीं वो आपको पहले चूज करना है। अगर क्लेम नहीं करना चाहते पेरेंट्स के लिए तब तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स यही आपको रहने देना है, लेकिन क्लेम करना है तो आपको बताना होगा कि सीनियर सिटीजन है या नहीं है। तो हमारे केस में सीनियर सिटीजन है तो यस कर देंगे और अमाउंट हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। देखिए नीचे दिया गया है पेरेंट्स इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन,
तो यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट आपको इंटर करना है। अगर सीनियर सिटीजन नहीं होते तो ऊपर वाला ये बॉक्स ओपन रहता, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिटेल फीड कर दिया। मेडिकल एक्सपेंडिचर भी अलाउड है अगर सीनियर सिटीजन है पेरेंट्स तो, या खुद भी सीनियर सिटीजन है तो भी आप मेडिकल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट ले सकते हो। ये देखिए ऊपर भी है, ठीक है। सेल्फ और फैमिली में अगर कोई सीनियर सिटीजन है आप या आपकी वाइफ में, तो भी मेडिकल एक्सपेंडिचर का भी बेनिफिट आप ले सकते हो, ठीक है, सेक्शन 80D के तहत। अब डिटेल हमने भर दिया, सेव पर क्लिक करेंगे। अब डिडक्शन में 80D हमने भर दिया। दूसरा क्या डिडक्शन हमारे पास हम देख लेते हैं, सेक्शन 80 TTA है। अब आप सोच रहे होंगे मेन तो 80C आपने बताया ही नहीं, जरूर बताएंगे, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, माई बाप है वो समझो। 80 TTA सबसे पहले भर देते हैं। 80 TTA किसके लिए है? सेविंग बैंक खाते पे इंटरेस्ट मिलता है तो 10,000 तक का आप क्लेम ले सकते हो। पहले आपको अदर सोर्स में दिखाना होता है, जैसे कि हमने दिखा दिया है 1,120 रुपया। अब उसका छूट हम यहाँ पर ले सकते हैं 80 TTA में। अगर सीनियर सिटीजन है तब 80 TTB है, 50,000 तक का बेनिफिट आप ले सकते हो, ठीक है। 80 TTB भी देखिए यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए, हमारे केस में सीनियर सिटीजन नहीं है इसलिए ये लॉक है, ठीक है। अब 80 TTA आ गया। अब बात आती है 80C की। 80C का ऑप्शन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, चिंता की कोई बात नहीं। नीचे एक ऑप्शन है शो ऑल डिडक्शंस, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए आ गया सबसे बड़ा कर्ता धर्ता 80C, ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया और नीचे ऐड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट इंटर करना है, जैसे कि हमारे केस में देखिए LIC भी है, ठीक है, ट्यूशन फीस भी है, होम लोन का प्रिंसिपल भी है, तो टोटल अमाउंट इंटर करना है। एक एक करके नहीं आप इंटर कर सकते हो, टोटल अमाउंट आपको इंटर करना है। मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हो। अमाउंट इंटर करने के बाद ऐड पर क्लिक कर देना है। 80C भी यहाँ पर आ गया, 80D आ गया, 80 TTA आ गया, ठीक है। आपको एक वार्निंग बार बार दिखाई दे रहा है कि चैप्टर 6A का डिडक्शन जो है वो ज़्यादा है आपके एम्प्लॉयर ने जो रिपोर्ट किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी तक फॉर्म नंबर 16 अपडेट नहीं हुआ है, तो हमारा पोर्टल पर जो डिटेल है वो भी अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए ये एरर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे चलकर ये सब एरर आपको दिखाई नहीं देगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो डिडक्शन दिए गए हैं कुछ आपके लिए एप्लीकेबल है, तो क्लिक करके आप उसको भर दीजिएगा। नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो शो ऑल डिडक्शन पर क्लिक करिए और चूज कर लीजिए, जिसको भी चूज करना है चूज करिए और फिर ऐड पर क्लिक कर दीजिए और उसको आप भर सकते हैं, ठीक है, आसानी से। हमारे केस में ये 3 ही है तो हमने तीनों भर दिया हुआ है। अब नीचे कन्फर्म का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब डिडक्शन वाला डिटेल भी हमने पूरा भर दिया हुआ है, टैक्स पेड में हम आएंगे, ठीक है। अब देखिए टैक्स पेड वाले डिटेल में हम आ गए हैं। यहाँ पर भी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगा 26AS के जरिए, लेकिन अभी अपडेट हुआ नहीं है इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर TDS है तो शो डिटेल्स पर आप क्लिक करके मैनुअल भी भर सकते हो। एड अनादर पर आपको क्लिक करना है। ध्यान देना मैनुअल भी आपको तब इंटर करना है जब आपका 26AS और AIS अपडेट हो गया है, उसके बाद ही इंटर करना, ठीक है, अदरवाइज मिसमैच हो जाएगा। डिटेल भरने का पेज आ जाएगा, यहाँ पर 10 नंबर सबसे पहले इंटर करना है, फिर डिडक्टर का नाम इंटर करना है, फिर कितने सैलरी पर TDS डिडक्ट हुआ है और उसके बाद नीचे TDS का अमाउंट इंटर करना है, ठीक है। उसके बाद एड का बटन है, उस पर क्लिक कर देंगे तो सैलरी वाला TDS इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए कोई आपने अगर टैक्स पेमेंट किया हुआ है, एडवांस टैक्स पे किया हुआ है, तो यहाँ नीचे ऑप्शन है शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, ऐड अनादर का एक ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से डिटेल इंटर करने का पेज आ जाएगा। यहाँ पर डिटेल आपको चलान के हिसाब से करना है, जब आप पेमेंट करते हो तो आपको एक चलान मिलता है, ठीक है, उसके हिसाब से करना है। सबसे पहले BSR कोड इंटर करना है, उसके बाद सीरियल नंबर इंटर करना है, उसके बाद किस तारीख को आपने डिपॉजिट किया हुआ है पेमेंट, और उसके बाद अमाउंट आपको इंटर करना है। इस तरीके से आपको भर देना है और फिर ऐड पर क्लिक कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। कुछ अगर रॉन्ग हुआ है तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, देखिए इसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, और डिलीट कर देना है, या तो एडिट भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। अब डिटेल भरने के बाद नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर टैक्स पेड भी आ गया। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, टैब, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर कंप्यूटेशन हो गया है टैक्स का 659,710 और यहाँ पर माइनस हुआ डिडक्शन 495,480 यहाँ पर अमाउंट आ रहा है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। हमारे एक्सेल शीट में देखोगे तो यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम आ रहा है, इसने भी करेक्ट कैलकुलेशन किया हुआ है 495,480। इस पेज पर देखिए हम कुछ भी डिटेल इंटर नहीं करते हैं, डिटेल इंटर करते हैं सैलरी पर, हाउस प्रॉपर्टी पर, अदर सोर्स में, बाकी ये कैलकुलेशन ओल्ड के हिसाब से और न्यू के हिसाब से ऑटोमेटिकली ही कर लेता है, ठीक है। तो सेम टू सेम आया है, यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी बन गया 12,274 रुपये और यहाँ पर भी देख सकते हैं
टैक्स लायबिलिटी 12,274 बन रहा है, जो कि रिबेट के जरिए पे ऑफ हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हमारा टैक्स लायबिलिटी। आप देख सकते हो हमारे केस में भी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, रिफंड यहां पर बन रहा है 26,480 रुपए का, और यहां पर भी रिफंड बनेगा। रिफंड यहां पर दिखा नहीं रहा लेकिन आगे चलकर बनेगा। अब ध्यान देना, काफी लोगों को एरियर सैलरी मिलता है तो उसके लिए रिलीफ आप सेक्शन 89 का ले सकते हो। यहां पर आपको अमाउंट इंटर करना है, उसके बाद आपको फॉर्म नंबर 10 ही फिल करना है। कैसे फिल करना है, पिछले साल वाला वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, ज़्यादा चेंजेस होंगे नहीं, उसको आप देख सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब सारा डिटेल जब भर दिया तो नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ ITR1 का, नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब रिफंड दिखाई दे रहा है 26,480 का, और यही रिफंड हमारे केस में भी है, ठीक है, पुराना टैक्स सिस्टम से। नए टैक्स सिस्टम में तो हमें टैक्स लायबिलिटी बन रहा है, देखिए 21,000 रुपया भरना पड़ेगा, ठीक है, नए टैक्स सिस्टम में, इसीलिए हमने पुराना वाला टैक्स सिस्टम ही चूज कर लिया डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा समरी दिखाई दे रहा है, कितना रिफंड मिलेगा वो भी दिखाई दे रहा है, प्रीव्यू रिटर्न पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अब प्लेस हमें इंटर करना है और फिर इस बॉक्स पर क्लिक करना है, उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ बटन है प्रोसीड टू प्रीव्यू, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है, जो भी डिटेल आपने इंटर किया हुआ था अभी तक, इनकम का, डिडक्शन का, पेमेंट का, TDS का, सब कुछ आपको यहां पर दिखाई देगा। क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, सब कुछ सही होगा, तब आपको एकदम नीचे जाना है और यहां फिर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहां पर वैलिडेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया है, कोई भी एरर नहीं था, हमने बहुत ही आसानी से अपना ITR फॉर्म भरा और कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो आप JSON फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, फ्यूचर में काम में आ जाएगा। अब आगे बढ़ना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर हमें क्लिक करना है। अब हमें लॉग इन कर लेना है, सबसे पहले पैन नंबर इंटर करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे पासवर्ड इंटर करेंगे और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब लॉग इन करने के बाद इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न, ITR टाइप दिखाई दे रहा है, असेसमेंट ईयर नाम दिखाई दे रहा है और वेरिफिकेशन पैन दिखाई दे रहा है। अपलोड रिटर्न का यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ जाएगा, सिस्टम विल रन वैलिडेशन रूल्स ऑन द इनकम टैक्स रिटर्न, द लिस्ट ऑफ एरर इफ एनी विल बी शोन ऑन कंप्लीशन ऑफ वैलिडेशन। ओके पर क्लिक करेंगे, हमारा कोई भी एरर नहीं था इसीलिए डायरेक्टली हम वेरिफिकेशन वाले पेज पर आ गए हैं। अगर आपका कुछ एरर होगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एरर दिखाई देगा। ई वेरीफाई पर हम क्लिक करेंगे, ई वेरीफाई नाउ, आप चाहें तो ई वेरीफाई लेटर पर क्लिक करके फाइल भी कर सकते हो, बाद में वेरीफाई कर सकते हो, आप ऑफलाइन वेरीफाई करना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम ई वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो अब हमें ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वेरीफाई करना है। मान लेते हैं कि हमें आधार के जरिए करना है तो ये वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो ये हमसे पूछ रहा है कि वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, आई एग्री, जनरेट आधार पासवर्ड, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो OTP भेजा जा चुका है हमारे नंबर पर, जैसे ही OTP डाल के हम वैलिडेट करेंगे वैसे इस तरीके से स्क्रीन आ जाता है कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। यहाँ पर लिखा गया कि एक बार रिटर्न सबमिट होगा तो मॉडिफाई नहीं होता है, मॉडिफाई नहीं होता लेकिन रिवाइज हो जाता है विद इन पीरियड अगर करेंगे तो, ठीक है। अब सबमिट का बटन है नीचे, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट पर क्लिक करते इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखाई देता है कि सक्सेसफुली फाइल हो गया है और वेरीफाई भी हो गया है, मैसेज आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है। नीचे डाउनलोड फॉर्म का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ITR का कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑफलाइन यूटिलिटी का इस्तेमाल करके आप अपना ITR फाइल कर सकते हो। पूरा प्रोसीजर हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। एक ही चीज का आपको ध्यान देना है कि आपका सारा डिटेल 26AS में, AIS में सब कुछ अपडेट हो गया, उसके बाद ही ITR फाइल करना है, जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब ITR फाइल करने के बाद भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ई वेरिफिकेशन कैसे करना है, आपको स्टेटस कैसे चेक करना है, कितने दिन में ITR का आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा, इन सब टॉपिक्स पर भी वीडियो आगे हम बनाते रहेंगे, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, धन्यवाद।